नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनी इलेक्ट्रॉनिक स्टूडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि वाटरप्रूफ रोप लाइट, जो कि 1/28/11 में अवेलेबल है। ठीक है, जो कि बहुत से लोग ने वाटरप्रूफ का डिमांड किया था, जैसे मैंने एक सिलिकॉन में लॉन्च किया था, बट ये जो है ये आपकी वाटरप्रूफ पाइप में आपको मिलेगी बेस्ट क्वालिटी का। तो आज इसी की हम बॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसकी ब्राइटनेस और इसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रिप है एंड ये जो कि बहुत ही लोडेड है। ठीक है, और उसको रन करेंगे हम K1000, इसको सीरीज से रन कराएंगे। ठीक है, एंड जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत ही आउटपुट अच्छी है, एंड इसकी ब्राइटनेस भी चेक करेंगे हमारे पास कैसे इसकी ब्राइटनेस आ भी रही है। तो इसको रन कराने के लिए जो कि हम 12 वोल्ट का ऑपरेटिंग, इसको इनपुट्स का 12 वोल्ट है और ये हम इसको एक पावर पंच से इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो भाई जैसे देख रहे हो आपको ये ब्राइटनेस ऑन होगी और ये लोकेटेड अच्छी दिख रही है। आप क्लब एंड बार जैसे भी आप सेटअप्स को यूज़ कर सकते हो अपने कस्टमाइज के हिसाब से। तो गाइस, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, पिक्सल से टिप्स एंड वीडियो में लाता रहता हूँ। तो गाइस, बात करते हैं इसके जो अंदर की मेटेरियल्स यूज के बारे में, जो कि ये 12 वोल्ट का 28/11 है पिक्सल। अगर आप बात करते हैं तो जो कि इसके अंदर जो पिक्सल LED का है, जो कि 1IC2 3 LED ये रन करता है कमांड से, जो कि 3 कलर होके ये बनते हैं। ठीक है, ये BRG है, ओके, जो कि बहुत सारे वेराइटीज कंपनी के अलग अलग रेंज आते हैं, बट ये जो मेरी भी स्ट्रिप है ये BRG है, ओके। एंड जो कि इसमें 3 डॉट अब देख रहे होगे इसके अंदर, तो मैं अभी एक लाइट को ऑफ करके आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, जो कि बहुत से लोग कन्फ्यूज होके, तो गाइस आपको दिख रही होगी क्लियर भाई, क्योंकि इसके अंदर 3 लाइट है, जो कि ये 12 वोल्ट और डेटा एंड ग्राउंड है। ठीक है, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वजह रहेगा जो कि आपको डुअल डेटा मिलेगा, इसके अंदर 2 डेटा होंगे, एक डेटा अगर आपके ख़राब हो जाए तो दूसरे डेटा से आप काम कर सकते हो। ठीक है, और लाइन वाइज जैसे इंटीग्रेशन में दिया गया है। तो गाइस, इसका आप स्टेयर लाइट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, एंड इसका हम अलग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आपका इसका वीडियो जरूर लाएंगे कि कैसा इसको यूज़ करते हैं और किस टाइप्स का होता है। एंड इसकी ब्राइटनेस की बात करते हैं लाइफ टाइम, तो ये गाइस 1 लाख हावर्स जो कि चलने की इसकी लिमिटेशन है, 1 लाख हावर्स चल सकता है, और जिसकी रेंजेड है मीटर के, ये 5 मीटर का रोल है। एंड अगर आपको अलग से एक रोल और लगानी होगी तो आपको यहाँ से कनेक्ट करना होगा और पावर सप्लाई प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, क्योंकि इसका पावर सप्लाई प्रोवाइड नहीं करूँ तो जो एक्चुअली इसकी पावर एंड रेंज है, जो इसकी ब्राइटनेस है, वो घट जाएगी। ठीक है, तो आपको जो क्वालिटी देनी है ब्राइटनेस का, वो आपको इक्वली रखना है। तो बात करते हैं कंट्रोलर की, इस कंट्रोल से मैं चिप मोड 28/11 सेलेक्ट किया हूँ, और जो कि हम कनेक्ट करके हम कुछ इसके जो कि डिज़ाइन पार्ट देखते हैं ये कैसा है। तो गाइस जैसे देख लो, अभी मैंने एक चिप मोड है, तो मैं अभी कुछ डिजाइन चेंज करूँगा। गाइस ब्लू है, रेड है, ग्रीन, ओके, इस टाइप से कुछ मल्टी डिज़ाइन ऐड किए गए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो और जो कि इसके बारे में और भी आपको कुछ नॉलेज चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, हम इसके बारे में और भी टॉपिक्स वीडियो ज़रूर लाएंगे। एंड अगर आपको इसको बुक करना हो तो आप इसको बुक भी कर सकते हो, जो कि हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारी कंपनी टीम से बात करके हमारे यूट्यूब चैनल नंबर पे डिस्क नंबर दिया गया कंपनी का, आप वहाँ से भी आकर इसको ले सकते हैं। ठीक है, एंड इस जो रोप लाइट है, ये रोप लाइट में ये सबसे एक यूनिक आइटम से, जो कि ये हर तरफ से दो तरफ से लॉक होती है, इसके अंदर पानी जाने के चांस नहीं होती। ठीक है, ब्राइटनेस अच्छी है, और हम एक बार लाइट ऑफ करके देखते हैं कि क्या इसकी ब्राइटनेस कैसी है और इसकी आउटपुट कलर कैसे हैं, और इस आज के वीडियो में हम इतनी ही बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ नए टॉपिक्स के बारे वीडियो में हम जरूर लाएंगे। तो गाइस जैसा कि मैं लाइट ऑफ कर दी, जो कि आपको ब्राइटनेस देख रहे होगी क्लियर फाई, ओके, एंड इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है, आपके हिसाब से मोड़ ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है, और जो कि मैं डिज़ाइन चेंज कर लेता हूँ रनिंग का, तो आपको ब्राइटनेस अच्छी दिख रही होगी। होप्स गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।